Very lovely good morning students. How are you? Maybe you're fine at your home. Today we started our new story and new chapter. Our new chapter and story name is Aansu Khushi Ke Aansu. What is the chapter? Chapter number 9. Chapter name is Khushi Ke Aansu. So now we started our story. Just student, bring out your book. Sneha Prabha. Open your chapter number 9. In page number 77. All are open your books. Very good. Now we started our story. Part 9. Khushi ke Aansu. सलीना और रहमान अपने माता पिता के साथ जामा मस्जिद के पास लाल कुएं में रहा करते थे. You should open your books with your pen or pencil. Put on the one each word. बेटा सभी को अपनी बुक ओपन करनी है. पेंसिल का यूज़ करके हर शब्द के साथ चलना है. जहाँ जहाँ मेरी पेंसिल होगी वहीं वहीं आपके पेंसिल भी होनी चाहिए. सलीना और रहमान अपने माता पिता के साथ जामा मस्जिद के पास लाल कुएं में रहा करते थे. किसी भी त्यौहार के आने पर वहाँ के लोग उसे हर्ष उल्लास मीन्स खुशी के साथ. इस वर्ड को आप एरो करेंगे. हर्ष उल्लास कठिन शब्द में इनका प्रयोग करेंगे हम. पर सबसे पहला आया हमारा हर्ष उल्लास से मनाते थे. कुछ दिन पहले ही सलीना के अब्बा को एक गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया जिससे उनके हाथ और तथा पैर की हड्डी टूट गई. सलीना के अब्बा हाथ रेडी से सामान इधर उधर पहुंचाने का कार्य करते थे. इस कार्य में उन्हें इतनी आमदनी अवश्य हो जाती थी कि वे अपने बच्चों तथा पत्नी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे. पर जब से ये दुर्घटना हुई आमदनी का एक रुपया घर न आता था. खर्चा जो का त्यों बना था. साथ ही साथ डॉक्टर ने अब्बा के लिए पौष्टिक भोजन खाने की सलाह दी थी. रहमान की अम्मी के पास साधारण दाल रोटी के लिए भी पैसों की कमी पड़ रही थी. उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें. सबसे अच्छी बात यह थी कि लाल कुएं में रहने वाले लोगों में आपसी प्यार व एकता थी. वे सभी अपना सुख दुख आपस में बांटते थे. रोज़े के दिन चल रहे थे. जैसे जैसे ईद पास आ रही थी सलीना के अब्बू और अम्मी की परेशानी बढ़ती जा रही थी. वे सोच रहे थे कि त्यौहार के दिन आसपास के लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे. ईद से पहले सलमा पड़ोसन सलीना की अम्मी से ईद की तैयारियों के विषय में बातचीत करने आई तो उनकी समझ में आ गया कि इस बार सलीना की अम्मी ईद मनाने में वह पकवान बनाने के में उत्साह नहीं दिखा रही. उसने जाकर नगमा फिरदोश और आदि अन्य महिलाओं की बात की तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि सभी कुछ ना कुछ मिठाई वैसे मैया
बनाकर सेलिना के घर के लिए ले जाएंगे और इस बार उन्हीं के घर से घर पर ईद का चांद देखते ही रोज़ा का समापन करेंगे। ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन योर नेक्स्ट पेज, हैव यू ओपन नाउ, पुट योर पेंसिल ऑन द हियर। आखिर ईद आ ही गई, सभी पड़ोसी यथाशक्ति खाने पीने का सामान बनाकर सलीना के घर पहुंच गए। उसके अब्बू ने कहा, इस बार हम ईद नहीं मना पाएंगे क्योंकि मेरी बीमारी ने हमारी खुशियों को छीन लिया है। पर पड़ोसी कहा मानने वाले थे, उन्होंने कहा, ये मिठाइयाँ और तरह तरह की सेवइयाँ जो सलीना की अम्मा की माँ और सहेलियों ने बनाई हैं, उन्हें कौन खाएगा। अब्बू और अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी ने कहा, आपने ये कैसे सोच लिया कि ईद आपको छोड़कर मनाई जाएगी। ईद का मतलब ही गले मिलना और रूठों को मनाना, यथाशक्ति सबकी सहायता करना है, करना तथा दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। सलीना और रहमान भी खुश थे, उन्होंने ऐसी ईद पहले कभी नहीं मनाई थी। चलिए, अब आपको ये कहानी कैसी लगी बेटा? खुशी के आंसू में जब हम यहाँ पर अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हैं तो आपकी खुद की आंखों में जो है एक खुशी होती है, ठीक है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो आंसू आपके खुशी के आंसू कहलाते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा कि रहमान और सलीना की जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा उनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उनके जो आस पड़ोसी थे उन्होंने उनकी मदद करी और उनकी ईद जो है बहुत अच्छी तरह से बनाई गई। इसी तरह से हमारे आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हमेशा अपना साथ उनको देना चाहिए। चाहे आप ज़्यादा ना करें, एटलीस्ट उनकी मदद करें तो उससे बहुत बड़ा आप जो है आप किसी के ऊपर थोड़ा भी बहुत अगर उनका सहयोग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी होती है, उनके लिए बहुत बड़ा है। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर के कठिन शब्दों की। तो आप कठिन शब्द आप सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। डालिए कठिन शब्द, बेटा सभी ये कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नंबर एक, हर्ष उल्लास। सबसे पहले लिखें हर्ष उल्लास। नंबर दो पर लिखें यथाशक्ति। नंबर दो पे लिखेंगे आप यथाशक्ति, प्रॉपर वे में लिखें। नंबर तीन पे लिखिए सेवइयां। नंबर चार पर मस्जिद। नंबर छः पे लिखिए डॉक्टर, प्रॉपर वे में लिखेंगे, साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे, कोई तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे आप। डॉक्टर के बाद लिखिए निश्चय लिखिए। निश्चय के बाद लिखिए मतलब। नंबर नौ पर रेडी।
नंबर 10 पर लिखिए तोहमा। सबसे पहले किसने क्या लिखा है बेटा? कठिन शब्द में पहला वर्ड है आपका हर्ष उल्लास, दूसरा यथाशक्ति, फिर सेवैया, चौथे नंबर पे लिखेंगे मस्जिद, नंबर 5 पे लिखेंगे आप समापन, नंबर 5 पर लिखेंगे समापन, नंबर 6 पे लिखेंगे डॉक्टर, नंबर 7 पर लिखें निश्चय, नंबर 8 पर लिखेंगे मतलब, नंबर 9 पर लिखेंगे रेडी और नंबर 10 पर लिखेंगे तोहार। सभी बच्चे अपनी बुक में जहां पर ये लिखा हुआ है उचित विकल्प पर निशान लगाएंगे। बेटा आप सभी मुझे आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में यूज़ कीजिए आंसर देने के लिए और फिर उसके बाद हम इस पर टिक करेंगे। रहमान के अब्बा घर चलाने के लिए क्या करते थे? बेटा क्या करते थे उसके अब्बा जान? उसके अब्बा मजदूरी करना, खेती करना या फिर हाथ रेडी चलाते थे। क्या चलाते थे, क्या काम करते थे घर का खर्चा चलाने के लिए? नंबर 1 मजदूरी करना, मजदूरी करते थे, खेती करना, खेती का काम करते थे, हाथ रेडी चलाना या फिर हाथ की रेडी जो होती हैं जिसमें आपने गलियों में देखा होगा लोग सब्जी वगैरह या फिर सूट वगैरह या किसी चीज़ को बेचते हैं, रेडी चलाते हुए देखा है ना लोगों को, वो भी चलाते थे। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा आंसर सही है बेटा इसमें? हाथ रेडी चलाना, सबसे थर्ड नंबर का, इस पर आप टिक कर देंगे, इस तरह से सही का चिन्ह लगाएंगे। आगे चलते हैं हम। सलीना की अम्मी डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर पा रही थी? उसकी मम्मी को क्या सलाह दी थी कि आप उसको हरी सब्जी या पौष्टिक आहार खिलाइए और पौष्टिक आहार वो दे नहीं पा रही थी, उसका मेन रीज़न क्या था, क्यों नहीं खिला पा रही थी? ना समझती हूँ, वे करना नहीं चाहती थी या उनके पास पैसे नहीं थे। बेटा क्या नहीं थी, या वो उनकी अम्मी समझदार नहीं थी, या वे करना ही नहीं चाहती थी उनकी, या फिर उनके पास पैसे नहीं थे। क्या आएगा यहाँ पर, उनके पास पैसे नहीं थे। ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हमेशा दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कभी ना दिखाई देना। मीन्स इसमें क्या आएगा बेटा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या आएगा बेटा इसमें, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सभी ने करा, फिर से एक बार बुक एक्सरसाइज देख लीजिए आप। सभी बच्चे अपना पहले पेज नंबर 79 ओपन करें, इसमें दिया हुआ है उचित विकल्प पर निशान लगाएं। रहमान के अब्बा घर चलाने के लिए क्या करते थे? जैसे आप सभी के पेरेंट्स कोई ना कोई जॉब करते हैं आप लोगों की सभी नीड को पूरा करने के लिए, तो इनके जो अब्बा थे, रहमान के जो अब्बा थे, वो क्या करते थे? मजदूरी करते थे, खेती करना या फिर हाथ का रेड़ा चलाना। तो हमने अभी आपको बताया था हाथ का रेड़ा जो तीसरे नंबर पे है उस पे आप टिक कर लेंगे। किस पे करना है बेटा, उचित विकल्प कौन सा है इसका, थर्ड वाला। आगे पीछे चलिए, अपना पेज नंबर 80 निकाल लिया, ओपन करें उसको प्रॉपर वे में। यहाँ पर एक है, सलीना की अम्मी डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर पा रही थी? उनको ना, वो ना समझती, उनके पास पैसे नहीं थे, वे करना नहीं चाहती थी। तो क्या था इसमें रीज़न, वो हमने आपको बताया था कि दूसरे वाला, दूसरे वाले पर आपको टिक करना था। तो इसमें क्या था आपका, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, ईद के चांद के मुहावरे का क्या अर्थ था? हमेशा दिखाई देना, कभी न दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो यहाँ पर क्या आना था आपका, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या आना था बेटा इसका आंसर, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो सभी अभी अपनी ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसके साथ एक एक्टिविटी आप लोगों के सभी के लिए है, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि कुछ लाइन आप जो है अराउंड टेबल 10 जो है आप अपनी
लाइंस लिखेंगे अपने त्यौहार बनाने के उसके लिए। भारत में मनाए जाने वाले त्यौहारों की सूची बनाई है। कितने त्यौहार मनाए जाते हैं भारत में? अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर तरह के जो है वैरायटी में हर तरह के रिलीजन्स रहते हैं और हर एक तरह के कस्टम रूल्स और रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं और हर एक धर्म के लोग अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं। अगर मुस्लिम हैं तो ईद मनाते हैं, हिंदू हैं तो दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं और भी बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। अगर ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म के लोग क्या करते हैं? ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस जैसे त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। और अगर सिखों की बात करी जाए तो सिख गुरु पर्व मनाते हैं। तो हमें सभी जो धर्म के जो लोग हैं जो भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन सभी की आप सूची लिखेंगे, मीन्स एक लाइन में आप सभी फेस्टिवल्स के नेम मेंशन करेंगे। दूसरा आपको यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं। मुस्लिम धर्म के रमज़ान का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये हम सभी को मालूम है कि रमज़ान के जो टाइम होता है वो रमज़ान मीन्स एक तरह का क्या होता है, फास्ट डेज होते हैं, ठीक है। इसमें ये लोग जो है एक मंथ के लिए, मुस्लिम वर्ग के जो लोग होते हैं एक मंथ के लिए व्रत रखते हैं, जैसे कि हिंदुओं में फास्ट रखा जाता है इसी तरह से ये फास्ट रखते हैं। और ये बहुत ही मीन्स हार्ड तरीके से मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, और इसमें माना जाता है कि अगर आप सही तरीके से रमज़ान के जितने भी फास्ट हैं उनको प्रॉपर वे में करते हैं और उसके बाद ईद वाले दिन जो है बहुत सेलिब्रेशन होता है। तो ये कहा जाता है कि मीन्स अगर आपने इस पवित्र महीने के जितने भी रमज़ान जो जितने भी आपकी विशेज़ होती हैं वो जो है अल्लाह ताला कबूल करते हैं, उनको प्रॉपर वे में आपकी जो है उन सभी दुआएं जो है आपको दी जाती हैं और आपको जन्नत की जो है प्राप्ति होती है इन द डेथ टाइम, ठीक है। तो ये लोगों का विश्वास है। ऐसे ही रमज़ान महीने में मुस्लिम बंधु रोज़ा रखते हैं। रमज़ान में मैंने बताया कि एक मंथ का पूरा वो रोज़ा फास्ट टाइम होता है जिसमें अंत का जो रोज़े जिस दिन खुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रमज़ान बोलते हैं, रमज़ान बोलते हैं इन पवित्र मंथ को, सॉरी। रोज़ा रखने की विधियों तथा उसके महत्व के अपने शब्दों में लिखें। जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या करेंगे, बेटा अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए और ये जो एक्टिविटी है वो आप कंप्लीट करेंगे। रमज़ान त्यौहार के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, उसमें जो जो चीज़ें करते हैं वो लोग उसके बारे में लिखिए। अपने मनपसंद त्यौहार के बारे में बताइए, आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है आप उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे, तथा उस त्यौहार को मनाए जाने के कारणों को अपने शब्दों में लिखेंगे और क्यों मनाते हैं इसलिए उसके भी लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे लाइंस लिखेंगे। आपको 82 जो नंबर पे आपकी एक्टिविटी है वो करनी है, क्रियाकलाप जो दिया है, और जो 83 पेज नंबर पे दिया है वो भी आपको कंप्लीट करना है। ये सभी आप बच्चे क्या करेंगे अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। सभी का ये वर्क कंप्लीट हो जाए। चलिए, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अभी हम बात कर रहे हैं खुशी के आंसू, जो आपने अभी स्टोरी पढ़ी है इसमें हमने कितने स्टोरी में करेक्टर कितने थे, आपने किन किन लोगों के बारे में, मीन्स इस पर एक परिवार के बारे में बात की हमने जिसमें एक जो है चार मेंबर्स थे उस फैमिली में, जिसमें जो है सलीना उनकी पुत्री बेटी थी और उनके अब्बा अम्मी और उनका भाई मेहमान था, तो 4 फैमिली मेंबर थे। और किसी बात करी हमने पड़ोसियों की बात की थी, ठीक है। इसमें जो है पड़ोसी में जो हमने पढ़ा था पड़ोसियों के नाम अगर बात करें तो नगमा और फिरदोशी, और इसमें आधी कर दिया है कि नगमा और फिरदोशी जो हैं ये पड़ोसी थे इनके, और भी बहुत सारे पड़ोसी थे। इन्होंने किस तरह का निर्णय लिया था, क्या सोचा था कि मीन्स किस तरह से ईद मनाई जाएगी, ईद वो कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? हाँ जी, उन्होंने सोचा था कि वो ईद कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, इस बार ये अपनी ईद कहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले थे, रहमान के माता पिता के पास, ठीक है, उनके घर में जाकर जो है ईद फेस्टिवल को मनाने वाले थे, ठीक है। हर्ष उल्लास का मतलब क्या होता है बेटा, हर्ष उल्लास का मीनिंग क्या है? तो हर्ष उल्लास का मतलब होता है खुशी। हर्ष उल्लास का मतलब क्या होता है? खुशी। अब हमने बताया था कि रहमान के अब्बा क्या काम करते थे, वो हाँ जी एक रेडी का काम किया करते थे, रेडी पर सामान को ले जाने और आने का काम किया करते थे। और अभी उनके साथ क्या घटना हुई थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी थी जिसके कारण उनके हाथ में और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, हड्डियाँ उसकी टूट चुकी थी।
जिसकी वजह से वो अपने परिवार में काम नहीं कर पा रहा है और इसी कारण उनके पास घर में खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। रमज़ान में मीन्स जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने उनका महत्व के तौर पर क्या बताया था कि रमज़ान क्यों मनाया जाता है। रमज़ान अल्लाह ताला को खुश करने के साथ साथ आपस में भाईचारा बढ़ाता है और जो दूरियां हैं उनको मिटाता है, ठीक है, जितने भी आपके डिफरेंसेस हैं उनको कम करता है। तो बेटा इस बार आपके फेस्टिवल पे आपके जितने भी अपने जो आपसे टूट गए हैं या फिर आप जिनसे बात नहीं करते आप उनको दोबारा से इस त्यौहारों में इस त्यौहार के दिन में अपने पास बुला सकते हैं, ठीक है। आप उनसे मिलिए, अपनी जो भी आपके साथ हुआ है उन सभी चीज़ों को भूलें और आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं हम अपने कभी बार गलतियां नहीं मानते, दूसरे पर ही सारी गलतियां कर देते हैं, इसी वजह से भी दूरियां बढ़ती हैं। तो ये दूरियां हमें कम करनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसी चैप्टर के साथ सभी बच्चे ये अपना कंप्लीट करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग आप सभी आपकी बुक में 79 पेज पर हैं जो आपको अपनी बुक में से ही करने हैं। फिर उसके बाद आपके ये कठिन शब्द जो हमने ब्लैक बोर्ड पे दिए हैं आपको ये सभी अपने नोटबुक में करेंगे। प्लस आपको ये जो एक्टिविटी हमने दी है जो आपकी पेज नंबर 82 पर है और 83 पर है इन दोनों ही एक्टिविटी को आप फिल करेंगे, ठीक है बेटा। सभी त्योहारों की लिस्ट लिखनी है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि रमज़ान का क्या महत्व है या फिर अपने जो भी आपको सबसे आपका फेवरेट जो फेस्टिवल है उसके बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और मे बी यू हैव अंडरस्टैंड कि आपको इस बार त्यौहार पर क्या करना चाहिए। अपने जितने भी आपसे दूर हो चुके हैं या फिर जिनसे आप मिलते नहीं हैं उनसे मिलिए, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है आप उन सभी की मदद करिए। मदद करने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी फील करती हैं, मीन्स कहीं ना कहीं आपके दिल को अच्छा लगता है। तो हम ये चीज़ें करना कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपने आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं जो बेचारे गरीब होते हैं आप उनकी हेल्प कीजिए, उनका फेस्टिवल अच्छा बनाइए। मे बी कि आप एक मीन्स छोटी सी हेल्प करके दूसरे को आप खुशी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके फेस्टिवल को भी आप अच्छा बना सकते हैं सिर्फ आपकी एक हेल्प की। चलिए, हैव ए नाइस डे।